बेटे बाहर कुछ लोग आए हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, टीवी प्रोड्यूसर हैं, तुम उनसे जरा के जरा मिल लो। ओह डैडी, एक तो मैं गा गा कर तंग आ गई हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। जाइए उन्हें कह दे मैं नहीं गाऊंगी। बेटा जी चाहे इनकार कर देना, प्लीज मिल तो लो। अच्छा आप इशार करते हैं तो मैं उन्हें मिल ही लेती हूँ। ये सब इकट्ठे करके मुझे दे दो। क्यों तुझे मेरे करो? नहीं मैं तुम्हारी बड़ी बाजी हूँ। ए लाल कमीज, तुसी खून की कमी तो पाई है। प्यारे खान, प्यारे खान। मैं जी आखा हूं इन्ने बड़े बंदे हैं जी, मैं की आखा, खुश रहा करो। ओह प्लीज बैठिए बैठिए। तशरीफ रखे, तुसी भी रखो जी कुछ। मैडम मैडम आज टेलीविजन पर आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। मैडम मैं आपके ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बाहर से आपके गानों की काफी डिमांड आ रही है, प्लीज मुझे टाइम दे। मैडम जी परसों मेरा गाना पिक्चराइज है, मैं आप प्लीज आज की डेट मेरा गाना रिकॉर्ड करवा दें। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम लोग लकीर के फकीर क्यों हो। अगर कोई सिंगर या आर्टिस्ट हिट हो जाए तो तुम लोग हाथों के पीछे पड़ जाते हो। खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ो, मैं कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। आप मेरी नहीं पब्लिक की डिमांड है, अगर आपने मेरी फिल्म के गाने न गाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये बात ना करे बड़े, ये बात बुरी है। खुदा करे कभी किसी की फिल्म फ्लॉप ना हो। ओहो, मैंने गाना गाने से इनकार नहीं किया, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए आउटडोर जा रही हूँ। प्यारे खान जी आका, सामान की पैकिंग करो जी। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को 10 दिन बाद की डेट देना। अच्छा अच्छा जी। ओए अल्लाह मैं तो मर गई, मर गया। ये तो 15 दिन के लिए गुलछर्रे उड़ाने जा रही है। फिश Thank you.
बहुत अच्छा गाना हुआ। ड्रेस मास्टर, अरमान साहब को अगले सीन के लिए ड्रेस चेंज करवाओ। ये मुझे पकड़ाओ और तुम जाओ। अच्छा ड्रेस है। शाह साहब, आप मैडम शीना की तरफ गए थे। गाने की डेट का क्या बना? वो तो 15 रोज के लिए तमाम प्रोड्यूसरों के गाने कैंसिल करवा के आउटिंग पर जा रही है। खुदा करे रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। शाह साहब, शीना के बारे में आइंदा आपने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मास्टर, यस सर, पकड़ो इसे। शूटिंग पैक अप। अरमान साहब को शीना के नाम पे इतने गुस्से में सेट छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये क्या गजब कर रहे हैं साहबा। मैडम, आपको शायद कि शीना मेरे साहब की पसंद है, और शायद आपको ये नहीं पता कि आजकल उनका फुल स्कैंडल चल रहा है। और बाद में चाहे स्कैंडल ही चले। इधर पकड़ाए जी, मेरा हीरो शूटिंग करेगा, जरूर करेगा और जरूर करेगा। ओके कलाकार, शूटिंग पैक अप। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। गाना कैसा हुआ? कुछ ना पूछे मम्मी, अब तक जितने भी गाने पिक्चराइज हुए हैं उन सब गानों में से नंबर 1 पिक्चराइज हुआ है। वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसे ही तो तुम इस वक्त 4 लाख की हीरोइन नहीं बन गई हो, है ना? हाँ। मैडम, स्टूडियो से तारक राणा साहब का फोन आया। मैं भी आई। ओके। तुम? जी, मैं। ओम। साहिबा कहाँ है? तुम्हें कितनी बार मना किया कि तुम साहिबा का पीछा छोड़ दो। वो इस वक्त एक फिल्म के 4 लाख रुपए लेती, और तुम क्या कमाते? सारा दिन आवारा गर्दी करते रहते हैं, लंडे के कपड़े पहनकर बाबू बन जाते हो। हाँ, मैं लंडे के कपड़े जरूर पहनता हूँ, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मुझे यहाँ साहिबा का प्यार खिंचलाता है। जानू, तू शूटिंग पे नहीं आए? मैंने वहां तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुम अरमान के साथ गाना पिक्चराइज करवा रही थी, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होना था। वो सब कुछ झूठ है जानू। हकीकत ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहोगे तो तुम्हारी खातिर हर चीज ठुकरा दूंगी। इसका ख्याल दिल से निकाल दो साहिबा, ये फुकरा है। नहीं मम्मी, मैं फकीर हूँ और ये मेरा बादशाह है। अगर तुमने हमारे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी।
मुझे सिर्फ मेरा जानू चाहिए। तुम तो गुस्सा कर गई हो बेटी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ख्याल भी बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। तेरे प्यार ने पागल कर दिया है जानू, बहुत बेचैन रहती हूँ, इसका कोई इलाज बता दे। सर्कस में होने का इरादा है। हाय, ओए ये क्या हो गया? मैंने कहा जी क्या लचक है, अगर कहें तो ये सारा सामान बिल्कुल ऊपर रख दूं। बकवास बंद करो, टेबल पे रखो। ओ जी मेरा मतलब है जी कि ये नाश्ता भी चार झूले झूल लेगा आपके ऊपर। हाय मर जाऊं कड़वी चाय। मैं तो कहता हूं मैं भी आपके साथ वैसे ही करूं जैसे आप कर रही हैं। प्यारे खान, मेरे कपड़े प्रेस होने वाले हैं, जाके कपड़े प्रेस करो। मेरा तो ख्याल है कि 3-4 बार कपड़े पहन ले आप, खुद ही प्रेस हो जाएंगे। जब कोई अच्छा मौका होता है हमें दूर भेज देते हैं, सेक्रेटरी होने का फायदा। रहना सदा प्रभु का फैसला, इश्क रहना सदा प्रभु का फैसला। जलता रहे प्यार का हर दिया प्रभु का फैसला, इश्क रहना सदा देखूं, कहीं भी मुझको नजर न आए। इधर भी देखूं मैं उसको देखूं, कहीं भी मुझको नजर न आए। मेरे नसीबों के अंदर भी अब किसी का प्यार समाए। खत्म होगा ना ये प्यार का सिलसिला रब का फैसला, इश्क रहना सदा रब का फैसला। जलता रहे प्यार का हर दिया रब का फैसला, इश्क रहना सदा का फैसला रब।
का फैसला। तुम कौन हो? मैं लड़की। वो तो देख रहे हैं पर ऐसे सवेरे सवेरे तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनी तो यहाँ आ गई। वैसे तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली है। कहीं नजर ना लगा देना। जगने वाली नजर और दूसरी नजर में बहुत फर्क होता है। तुम्हारा उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद मेरा दिल है। तो फिर अपने दिल से कहो मुझे भी अपना शागिर्द कर ले। मेरा दिल कोई इतना फालतू नहीं है, जाके किसी मास्टर की शागिर्दी करो। अच्छा तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। माँ बाप ने तो मेरा नाम जिशान रखा था मगर बस्ती वाले प्यार से मुझे शानू कहते हैं। शानू बड़ा प्यारा नाम है। तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगी। अगर तुमने मुझे कहीं देखा है तो फिर मेरा नाम बताओ। अगर बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी। अच्छा तो फिर भूलना ही पड़ेगा। हाँ याद आया मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है। तुम शीना हो ना? हाँ मेरा नाम शीना है। मैं तो तुम्हारी आवाज का पहले से ही शैदाई था मगर अब तो तुमने मुझे अपना भी शैदाई कर लिया है। क्या बात है वेस्टकोट उतार के फेंक दिए जुए निकले बीच में से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा उल्टे हर पुलिस जरा इधर आ। ये जो मैडम इधर को भाग के गई है ऐसे करती मैं उनका सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा एक बात मैंने सुना है कि तू हर किस्म की मुरली बजा लेता है। वैसे ये मुरली बजा कर लड़कियों को फंसाना ये कोई मर्दों वाला काम नहीं है। अगर मेरा मर्दों वाला काम देखना है ना तो कल मेरी कुश्ती है आ जाना वहीं। लगता है बल्लो तूने ये मुरली बजा कर तेरे वाली मैडम भी फंसा ली है। शानू पता नहीं कहाँ रह गया। चारा लेकर ही नहीं आया। बंदी सुबह से भूखी है पता नहीं कहाँ रह गया। ये आ गया बहन का रंजा भाई। इतनी देर से आए हो वहाँ किसी हीर की बहन से चाना शुरू तो नहीं कर दी? बस आपदा कुछ ना पूछ आज एक मेम मिल गई। अच्छा पता कौन? हमारे मुल्क की सबसे बड़ी गाने वाली उसका नाम शीना है डाक बंगले में। उसे घर ले आना था। उसने क्या क्या बातें की थी? बातें तो कुछ ज्यादा नहीं हुई पहली मुलाकात थी ना। पर तू क्यों पूछ रही है? मेरे लिए खाने को कुछ पकाया या नहीं? ओ हाँ सरदाई बनाई है चला तुझे दूं। वेरी गुड वेरी गुड। तमाम माल हिफाजत में है। कानून से ये स्मगलिंग का माल छुपाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। सोने वाला कालू यहाँ का कालू और शहर का माइकल। यह सिर्फ मैं जानता हूं मैं के एक रूप के दो नाम है। मैं तुम्हें शहर से यह बताने आया हूं कि मेरा बैरूनी मुल्कों के स्मगलों के साथ हेरोइन और स्मगलिंग का एग्रीमेंट हुआ है जिससे हमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होगा। वाह शेर सोने वाले तूने हमें ये खुशखबरी सुनाकर हमारे सीने को चौड़ा कर दिया है। लेकिन हमें पता लगा है कि
कि आजकल तेरा भाई डिप्टी खान हमारा पीछा कर रहा है। तुम उसकी फिक्र न करो, डिप्टी खान मेरा भाई है। वो अपने पिंडे के कानून की वर्दी सजा कर भी हमारा साथ देगा। फिर तो बात खत्म हो गई। तुम्हें पता नहीं ये माइकल का इलाका है? चलो भाई। कैसे निकले हो भाई? जहां से तुम निकले हो वहां से मैं निकला हूं। चलो भाई आगे लगो। ठहरो सुरमा जी ठहरो, कपड़े तो ले लूं। चलो जाओ जल्दी चलो। बॉस ये हमारे इलाके में घूम रहा था। बॉस कालू तू क्यों है? कालू ये काला धंधा तू करता है? सफेद और काला धंधा करने वाला कालू के सिवा और कौन हो सकता है अंधे? खबरदार अगर तूने किसी को बताया। ठीक है किसी को नहीं बताऊंगा। जा फिर मुरली बजा। अगर इसने किसी को बताया तो इसकी मुरली बजा दो। तुमने सुन लिया? मेहनत हो रही है इसीलिए कहती हूँ ये काम छोड़ो और मेरे से शहर चलो। मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे मेरी तरह। मैं अपनी छोटी सी जन्नत छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम मुझे बताओ मुझे शहर जाने का कहती हो तुम खुद क्यों नहीं आ जाती यहाँ? अच्छा ये है वो हीर जिसने मेरे भाई को पागल किया हुआ है। की लड़की और इसके साथ घर की कोई बात नहीं बच्चे देख लूंगा तुझे। ये आपदा है मेरी छोटी बहन। मौसी भी तो हाँ ही होती है भाभी जी। इसे भाभी ना कहो आपदा, ये क्या सोचेगी? सोचना क्या मैंने कोई गलत कहा है भाभी जी? वो तो शर्मा के चली गई। तुम बैठो खाना खाओ। आजकल वो शानू नहीं बांसुरी बजाने वाला लंबा कल अपनी बहन को एक्टर बनाने के चक्कर में। मुंह संभाल के बात कर। अगर अब तूने अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम लिया तो मैं तेरी जबान काट दूंगा कुत्ते। अरे इसने तुझे कुत्ता कहा या इस भगियार को कुत्ता कहा? कुत्ते तेरे बड़े तेरे छोटे तेरे अगले तेरे पिछले तेरे दरमियाने। मैं अब तेरी मुरली बजा दूंगा। नहीं तो तू भी मुरली बजा दूंगा। ये पुड़िया गरम दूध से दे देना जल्दी होश आ जाएगी। मैं अब चलता हूँ खुदा हाफिज। शुक्र है मेरे भाई को होश आ गया। भाभी तो शानू का ख्याल रख मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। ये सब कैसे हो गया? पहाड़ से गिर पड़ा था। तुम घबराओ नहीं मामूली चोट है जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे लिए मामूली चोटें हैं मगर मेरे दिल से पूछकर देखो जिसे तुम्हारी ये हालत देखकर चैन नहीं आ रहा। ये लो ये कपड़े मैंने तेरे लिए बनाए हैं। अगर तुम ले लो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह के ड्रेस तो मुझे बड़े ही पसंद है। अच्छा आबिदा मैं जा रही हूँ, तुम शानू का ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। अच्छा
मुंह बंद कर लूं, कहीं कोई चीज ही न रख जाए मुंह में कोई। हमारी तो पहले ही शीना ने नींदरें उड़ा रखी हैं। इतनी देर हो गई है, कहीं जंगल में गीदड़ों के साथ चुई चड़ांगा ना खेलती हो। प्यारे खान, तुम यहाँ बैठे हो, सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आज शाम को उल्टी काफी पी बैठा हूँ। ये आपने बड़ा लाचा पहना हुआ है, बड़ी कुर्ती कसी हुई है, क्या आज बड़ी कमजोर सी अंजुमन बनी फिर रही है? ये आपके वालिद साहब का तार आया। प्यारे खान, तेरी की सख्त तबीयत खराब है। अगर ज्यादा सख्त खराब है तो ऊपर कोई चीज डालकर नरम कर ले। बकवास बंद करो, हमें फौरन शहर जाना पड़ेगा। तुम सारा सामान पैक करो, मैं शानो को बता कर आऊं। ये तार मुझे पकड़ा दो, वो बेचारा देहाती किस्म का है, उसके तार कहाँ फंसाती फिरोगी। अच्छा तुम सामान पैक करो, मैं बता के आती हूँ। ये शानू ने बड़ा तंग कर रखा है, ये गाय जैसी जो है ना, इसको चारा डालना पड़ेगा। चांद के दर्शन निकल आया है, मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है इस वक्त। है मैं शहर जा रही हूँ। तुम शहर जा रही हो, तुम्हें जाना ही था तो मेरे सुने दिल में प्यार का घर क्यों बसाया था? मैं तेनु दर्शन आई हूँ कि डैडी बीमार नहीं, उन्होंने तार आया है, मैं इसी वाले शहर जा रही हूँ। मेरी बात सुन, डैडी तंदुरुस्त हो जाएगी तो मैं जरूर आवांगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह चाचा जान को जल्दी सेहत दे, तुम जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, पर अब नहीं, सुबह। ये इलाका बहुत खतरनाक है। आप तो ठीक कह रही हैं, तुम सुबह चली जाना। तो आज के रात हमारे मेहमान बन जा। तू कहनी है ते मैं सुबह चली जावांगी। शीना बेटे, अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है। अरमान ने शूटिंग से फारग होकर मेरी काफी खिदमत की है। थैंक यू अरमान साहब। डैडी आप कुछ दिनों के लिए फौत हो जाएं। बकवास बंद करो, आप मुकम्मल आराम करें, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। बेटे अगर मैं चलूं फिरूंगा नहीं तो घुटनों टखनों से रह जाऊंगा। खाली घुटनों में अब क्या रह गया है? अल्लाह की लाठी जब भी लगती है ना और टन की आवाज आती है। मेरा एक मशवरा है, इन घुटनों में हल्की हल्की गोडी करवा के ना तो छोटे छोटे घुटने डलवा ले। प्यारे खान खुश रहा करे। हाँ भाई कालू, तुम अपना मौकफ बयान करो। पूछो इस बदकार से कौशल साहब, इसने एक जवान और खूबसूरत लड़की ठुमका लगाने वाली को सारी रात अपने घर में बिठाए रखा और मुरली बजाता रहा, और मैं ऊपर छत पर बैठकर इसकी मुरली की आवाज सुनता रहा और खामोश खड़ा रहा। ये झूठ है, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं रखा, वो मेरे घर मेहमान थी। काउंसलर साहब, ये बाजारी औरतों से रंगरलियां मनाने वाला इस बस्ती में नहीं रह सकता। काउंसलर साहब, इस बेगैरत ने मेरे पे गलत इल्जाम लगाया है, ये झूठा है। अस्तग़फिरुल्लाह। काउंसलर साहब, मैं ते पांच वक्त नमाज़ी हूं, ये मेरे ते झूठा इल्जाम ला रहा है, मैं ऐसा लग लूंगा। जुबान को बंद कर कालू, आज मैं तेरी करतूतों के बारे में पूरे गांव को बता दूंगा। मैंने तेरे आबू पे बहुत पर्दा डाला है, मगर तू बहुत ही नीच इंसान है। कौशल साहब, ये एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ये बिल्कुल गलत कहता है। सही बात तो ये है कौशल साहब, केस के धंधे का राज मेरे हाथ में है और ये उसका इंतकाम ले रहा है, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। शानू, होश कर शानू। मुझे छोड़ दे कौशल साहब, मैं इसे खून पी जाऊंगा। शानू, अरे अरे मेरा पिस्तौल कहाँ है, गायब हो गया। ये पंचायत है और पंचायत का एहतराम हम सब पे लाजिम है। अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कालू जैसे शरीफ आदमी पर हमला करके मुजरिम होने का सबूत खुद ही दे दिया है, तुम गुनहगार हो, अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। गांव वालों, इन दोनों बहन भाइयों को
मार मार के गांव से बाहर निकाल दो। खबरदार, कोई आगे ना बढ़े। हम भी ऐसे बेजमीरों में नहीं रहना चाहते, हम खुद जा रहे हैं। आओ अब्दा। चलो वीरू। तो बड़ा सिद्धा लिया पर मशहूर कमाल लेके आए। मेरी तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, सचमुच मार देने लगा था। अबे चाकू मुझे पकड़ा और चुपके से निकल जा। अभी इधर नहीं, इधर। हाँ बकरिया। हम गांव से आए हैं, हमें शीना के घर जाना है। शीना करती क्या है? जो वो गाने गाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो फिल्मों में गाने गाती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो इस वक्त स्टूडियो में होगी। आओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे चलें। यहाँ फिल्में बनती हैं, सीना भी यही काम करती है। उसे तो आते उधर देखो, हीरो का सेक्ट्रिक कमाल मशूक लाया है। हाँ कमाल चीज है। तू आते से ओ शुरली, ओ इन पे नजर रखो, हीरो के कमरे के बाद ये मशूक हमारे पास आना चाहिए। उठो सलील आदमी, तेरे जैसे फारिग और बेगैरत लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को खराब किया हुआ है। आउट। वाह जी वाह, यहाँ तो लगता है कि मेला लगा हुआ है, कमाल तमाशे हो रहे हैं। शानू, ये माहौल कुछ ठीक नहीं है, अपनी बहन को लेकर फिरोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ओए माजू, मेरी नन्ही मुन्नी बहन को ले जाकर ना दफ्तर में बिठाओ, और हम शीना को ढूंढ के लाते हैं। आओ यार, आ जाओ। बात सुनो, तुम शीना को ढूंढो, मैं सब कुछ देख के यहीं आता हूँ। हाँ यहीं मिलूंगा। ठीक है चलो। तुम दो बेटा, तुम जाकर रौनक मेला देखो और इधर मेरा साहब मौज मेला करेगा। कितना मजा आ रहा है। ये सच है, लाल चाहे गुदड़ी में क्यों ना हो, लाल होता है। आपको किससे मिलना है? शीना नु। शीना, गुलुकारा शीना। आप मुझे शीना से मिलाएंगे? गुलुकारा शीना से मैं आपको जरूर मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा। इतनी बड़ी सिंगर से मिलने आई हो और इतने मैले कपड़े पहनकर। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं, मेरा मतलब है नए कपड़े लेकर दो। शीना तो मुझे गांव में इन्हीं कपड़ों के साथ मिलती थी। घबराओ नहीं, पता ये शहर में मन चाहे मैला हो पर तन उजला होना चाहिए, समझे? आप मुझे नए कपड़े लेकर दोगे? शानू भी साथ है, उसके लिए भी लेकर आएंगे। उन्हें भी लेकर आना। चल चल शाबाश, चलिए शाबाश।
I'm sorry, Arman Saab. I want to talk to you. Mr. Khali, मेरा मतलब है कि आप इस वक्त जाएं और वो हाँ हाँ समझा करो ना. ये वक्त गुजर गया आप तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी अरमान साहब. ये बात अभी होगी. यस प्लीज. ये एक मासूम फूल है. ये टहनी से टूट गया तो फिर भाईजान भाईजान मेरा भाई शानू मुझे ढूंढ रहा होगा और आप यहाँ बातों में मसरूफ हो गए हैं. मैं चलती हूँ. देखो अरमान, तुम्हें भाई कहकर तुम्हारा मकाम और बढ़ा रही है. ठीक है ख्याल भी साहब, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जाइए. चलो बहन, मैं तुम्हें शाम से मिलाता हूँ. राइट, थैंक यू. जाओ यार, सारा मजा किरकिरा कर दिया. वन टू थ्री. ला 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 ला. कनेक्ट. ओ बीजू बाबरा की औलाद, भाई किसके साथ हो भाई? ये मेरे मेहमान हैं. सॉरी मैडम. तुम कब आए हो? चलो मेरे साथ. मैडम जी गाना से रिकॉर्ड करा दें. नहीं शाहजी, आज शिफ्ट कैंसिल करें, मैं कल गाऊंगी. चलो शानू. शानू तुम अकेले आए हो और आपदा कहाँ है? मैंने तो उसको यहीं छोड़ा था. भाभी लो वो आ गए. ओ, मेरी बहन आ गई. तू कहाँ चली गई थी आपदा? ये भाई मेरे तो बचा के लाया है. खैलवी साहब मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ. यो वेलकम. धरती को माँ कहने वालों के हाथों विश्व को एक जैसी होती. मुझे इस माहौल में अजनबी लगी थी. मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी अपनी बहन है. तुम्हारी शराफत की गवाही मेरी बहन ने दी है. आज से तुम मेरे भाई हो. मुझे अपना भाई मान ही लिया है तो फिर आ छोटों की तरह सीने से लग जा. नासिर साहब, आप वाकई हमारी इंडस्ट्री का सरमाया है. मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ. नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं. ये तो मेरा अखलाकी फर्ज था. अच्छा शानू यार, फिर मिलेंगे. बाय. ये साहब कौन थे? नासिर खैलवी साहब बहुत अच्छे राइटर हैं. फिल्म इंडस्ट्री इनके साथ बहुत ज्यादती कर रही है. कहानी ये लिखते हैं और नाम किसी और का होता है. बाकी बड़ी ज्यादती की बात है. चलो हम चलें. आओ अब्दा. जल्दी आ गई हो? डैडी मेहमान आ गए थे. ये शानू है, बहुत अच्छा गाता है और ये इसकी बहन आपदा है. सलाम चाचा जी. वालेकुम अस्सलाम. बेटा जी ये वही है जिनका आप अक्सर जिक्र किया करती थी. अरे ये हानू शानू यहाँ भी पहुँच गए हैं. वाह भाई वाह, क्या हाल है तुम्हारा राजा नंबर दो? क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? मेरा यहाँ कोई हाल नहीं है. मेरा पहले टाउन हॉल था, वो भी किसी ने छीन लिया है. वैसे तुम बड़े चालाक आदमी हो. अरे खुरा निकालते निकालते बुरे के घर तक पहुंच ही गए हो. वैसे मैंने आपको बुरा नहीं कहा, ये बहुत खोचल आदमी है. प्यारे खान खुश रहा करे मेरे साथ. आइए मैं आपको कमरा दिखाऊं. पीछे हटो. मैं पीछे हटता रहूं? लो जी अब ये कमरा देखने के लिए गया है. अब मुझे यकीन है कि ये रोज कमरा लगाए लगाए. साहिबा तो अभी तक घर में नहीं पहुंची, मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ. सेठ सोने वाला? सोने वाला सोने वाला. बड़े अच्छे के बाद आया. मैडम बानो, सुना है तेरे पास एक बहुत खूबसूरत हीरा है. हम उसे सोने के साथ तोलने के लिए आए हैं. वो हीरा मेरे बेटे साहिबा है सेठ साहब. वो इस मुल्क की टॉप क्लास हीरोइन है. हुस्न उसका गुलाम, बदन पर उसके खराश पड़ जाए तो
तो चांद को ग्रहण लग जाता है। उसकी एक एक अदा पर लोग लाखों रुपया निछावर करते हैं। तो फिर हमें तुम उसकी सात रातों की अदाओं की कीमत बताओ। सेठ सोने वाला सोचेगा नहीं, अदा कर देगा। सेठ सोने वाला, मैं अपनी बेटी को सात रातों के लिए तेरे साथ भेज देती हूँ, मगर तुम सात समंदर पार जाने वाले अपने हीरोइन के एक जहाज की रकम मेरी झोली में डाल दो। वाह 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 वाह, क्या अनमोल हीरा है, कैसा हुसन है। मैडम, तुमने इस हुसन के कान की कीमत बहुत कम मांगी है। ये शहजादी अपनी रेशमी बाहें हमारे गले में डालकर हमारे प्यार का इकरार कर ले तो हम अपनी खुशी के लिए लाखों जहाज समंदर में डुबो दें। किसी की इज्जत का सौदा करने से पहले तेरे जैसे व्यापारियों को आग डूब मरना चाहिए। डूब गए, डूब ही तो गए हैं इन झील जैसी आंखों में। इन आंखों में किसी गैरतमंद का प्यार बसा है, ये तेरे जैसे बेगैरत के डूबने के लिए नहीं। ना मैडम ना, जिसे सेठ सोने वाला पसंद कर ले उसे तो मौत भी नहीं मार सकती। अब ये जिंदा भी हमारे लिए और मर के भी हमारे लिए। मैं कठपुतली नहीं हूं जो इस जैसे बेगैरत के इशारों पर नाच पड़ेगी। मैंने दिन रात मेहनत करके कोशिश की थी कि तू तवायफ से मां बन जाए, पर तू तवायफ है, तवायफ है। हाँ, ये तवायफ है और हम तमाशबीन। और कंजरों के घरों में पलने वाली मूर्तियां बोलती नहीं, बेजुबान होती है। तेरा वास्ता आज तक बेजुबानों के साथ पड़ा होगा। किसी जुबान वाले से बात करोगे तो बोलना भूल जाओगे। याद रखना सेठ, तुम्हारे जैसे लाखों सेठ भी अपनी दौलत लेकर यहां आ जाए तो इसे यहां से नहीं ले जा सकते। तेरे जैसे कतूरे भांगते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरे बंगले के बाहर। तू तो कुत्तों से भी बदतर है, बदतर है कुत्तों से भी, जो इंसान होने के बावजूद इंसानियत का वफादार नहीं। बकवास बंद करो। तुम ठीक जगह पर आ गिरे हो। तुम जैसों की इब्तिदा भी ये है और इंतहा भी। भाईजान, खादर, मुझे भाईजान कहा तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मैं मुल्क वफादार, तुम मुल्क दुश्मन हो। हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? तुम सिर्फ मेरे मुल्क के ही नहीं, पूरी इंसानियत के दुश्मन हो। तुम जैसे भाई को मैं अपने हाथों से मारूंगा। राज भाई दुश्मन बन ही गया है तो मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरूंगा। काश मेरे वतन के सारे अफसर आप जैसे हो जाएं तो ये मुल्क जन्नत बन जाए। थैंक यू। आपने वर्ष की खातिर अपने भाई को कुर्बान कर दिया। बेशक ये मेरा खून था, लेकिन ये कानून का दुश्मन था और कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। बाबू, तुम लाश को कब्जे में करो, बाकी आओ मेरे साथ।
ग्रेट ऑफिसर। आ जानू, जहां इज्जतों के सौदे हो वहां गैरतों वाले नहीं रहते। साहिबा, जब तुम्हें गुर्बत की धूप लगेगी तो तुम इस छत की छांव में वापस जरूर आओगी। माँ, इज्जत की मौत मर जाऊंगी पर इस बेगैरत खाने में वापस नहीं आऊंगी। आ जानू, चले। चलो। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्के ही व सहाबे ज़ुर्रियाती अजमाइन बि रहमतिक यार हमराहिमीन आमीन। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। अरमान की जिंदगी का एक ही अरमान है कि तुम उसकी जिंदगी में आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। सीना, आई लव यू, आई रियली लव यू। सर, दुनिया आपकी तस्वीरें अपने सीनों से लगाती है, ये किसकी तस्वीर है जो आपने अपने सीने से लगाई हुई है? आप हुक्म करें तो ये फूल जड़ी आपके कदमों में हो। जान, शट अप। सीना मेरा प्यार है। और प्यार प्यार से हासिल होता है। उसके साथी के मुतालिक मैं सोच भी नहीं सकता। क्या बात है मेरे रांझना, क्या सोच रहे हो? शीना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई नौकरी कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मेहनत मजदूरी करके आबिदा की शादी कर दूँ। आबिदा मेरी भी कुछ लगती है, उसकी फिक्र मत करो। बाकी रही काम की बात, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। वो क्या? तुम्हारा एक स्टेज शो होगा, उसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, वही बड़े प्रोड्यूसर्स भी होंगे, और मुझे यकीन है कि वो अपनी फिल्मों के लिए तुम्हें जरूर सिलेक्ट करेंगे। पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम मेरे साथ गाओगी। ओके, मुझे मंजूर है। इश्क रहना सदा बढ़के प्यार किसी ने किया ना होगा। सस्ती सोहनी हीर से बढ़के प्यार किसी ने किया ना होगा। मैं भी चाहूं कोई मिल जाए मुझको भी महबूबित सोना। प्यार पे कर दूं मैं सारी फिदा, रब का फैसला। इश्क रहना सदा, रब का फैसला। जलता रहे प्यार का हर दिया, रब का फैसला। इश्क रहना सदा, रब का फैसला।
रब का फैसला। How are you? यारे कुछ तोहफे लाया हूँ, ये भाभी के लिए और ये तेरे लिए। हर तरफ टीवी पे, रेडियो पे, फिल्मों में मेरे यार के गाने बजने शुरू हो गए। मैं तेरी इस कामयाबी पर बड़ा खुश हूँ शानू। शानू अभी तक नहीं आया। टेडी वो सुबह का घर से गायब है। किसके साथ? आप हमेशा खुश रहा करो। अगर आप शानू के इंतजार में मजीद ये उरियां उरियां प्लेटें लेकर फाके बैठे रहे तो मुझे यकीन है कि आपके पेट में चूहों ने रक्त शुरू कर देना है और फिर आप डॉक्टर को जाके कहेंगे ये नब्ज देखो जी, हमारी अंतड़ियां तमाशबीन हो गई। शट अप, सेवन अप, खुश रहा करो। हेलो, आ शानू, तेरा इंतजार हो रहा है। लो जी, शानू साहब तो इस तरह आए हैं जैसे बुरे दिन आते हैं। ये है अंकल के लिए सूट का कपड़ा। अंकल, इसके बारे में दुकानदार का दावा है कि इसको पहनने वाले की उम्र के पूरे 10 साल कम हो जाएंगे। साथ एक फीडर भी ले आना था। शीना, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारा। शुक्रिया। मैंने कहा शानू साहब, सबके लिए कुछ ना कुछ ले आए हैं, मेरे लिए एक लंगोट ही ले आते। मेरा वर्जिश करने को बड़ा जी चाह रहा है, मैं तो देख देख कर ही कमजोर हो रहा हूँ। खुश रहा करें। मैंने कहा शानू साहब, आजकल तो बड़ी लंबी तक में टिक रही हैं, बड़े लिफाफों पे लिफाफे आ रहे हैं, पहले तो फाका मस्ती थी, मैं भी तो कुछ देखूं ना। चलिए बॉस। शानू का दिन ब दिन शीना के नजदीक होना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। Mr. John. Yes, sir. Sheena, मेरा प्यार है और शानू हमारे प्यार के रास्ते में दीवार बन गया है। कहे तो ये दीवार शानू इस वक्त हॉल में गाना रिकॉर्ड करवा रहा है और मैं आज उसका नाम दुनिया के रिकॉर्ड से मिटा दूंगा। शानू कदरे हानू तो नहीं हो गया? इमरान, शानू को कोई गहरी चोट तो नहीं लगी? सही पता इनके होश आने पे चलेगा। शानू, 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 तुम तो पहले बड़े कम बोलते थे, क्या हो गया है? इतनी चुप अच्छी नहीं होती, खुश रहते हैं खुश। तुम बोलोगे ना तो हम सब लोग खुश हो जाएं। खुश बोलो। तो
बोलो शानू, बोलो शानू। इमरान, शानू बोलता क्यों नहीं? इनके बोलने की ताकत ने इनका साथ छोड़ दिया है। नहीं शानू, नहीं, ये नहीं हो सकता। शानू, बोल दे यार। कितने अफसोस की बात है कि शानू का बच्चा जिंदा बच गया। हमने उसकी बोलती तो बंद कर ही दिए, लेकिन इसके बावजूद सीना ने उसे घर में रखा हुआ। आप हुक्म करें बॉस, आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। नहीं, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि एक मामूली पेंडू ने हमारे प्यार पे डाका डाला है। नहीं, लगता है हमें उसका कांटा निकालना ही पड़ेगा। शानू, तुम्हारा फन तुमसे चला गया है, तुम भी यहां से चले जाओ। यहां गुजरने वाला एक एक दिन कयामत का दिन होगा। जुल्म की इस नगरी में तुम्हारी मजबूरियों का एहसास करने वाला कोई नहीं होगा। ख्याल भी साहब, अगर अपनी जिंदगी नहीं बना सके तो दूसरों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करते। आओ शानू, चले। जानू, तू चले गए? मैं तो उनके लिए खाना बना रही थी। हाँ, एक दिन सबने चले ही जाना है। आप उदास क्यों हैं जानू? आप उदास होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा जग उदास है। Thank you.
की बढ़िया कर दी ऐत करांगी पूजा मर जावां मैं जिस दिन दिल विच आवे कोई दूजा प्यार ते होर भी बढ़िया कर दी ऐत करांगी पूजा हो प्यार ते होर भी बढ़िया कर दी ऐत करांगी पूजा मर जावां मैं सोच रहा हूं तुम अपने सब अरूज आसाइश छोड़कर इस गरीब के साथ वक्त गुजार रही हो तुम्हारी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होंगी जो मैं पूरी नहीं कर सकता मैं चाहता हूं तुम्हारे नाजुक हाथों में कंगन हो गले में जेवर हो मेरा जेवर और गहना सिर्फ तुम हो छोड़ो इन बातों को ये बताओ कहानी पास हुई हाँ कहानी तो पास हो गई है और आज फिर वही मायूसी आज इस प्रोड्यूसर ने भी वही शर्त लगाई है कहानी तो मेरी होगी पर नाम किसी और का होगा तू मायूस ना हो जानू वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारी कहानी के साथ साथ तुम्हारा नाम भी होगा हर पोस्टर हर अखबार पर तुम्हारा ही नाम होगा जिस तरह मेरे दिल में क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें मरीजा को कभी पहले भी खून की उल्टी आई है जी नहीं डॉक्टर मरीजा को कैंसर है और कैंसर और? भी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया कह रही है सब झूठ है झूठ है डॉक्टर झूठ है हौसला रखें नौजवान हौसला रखें मैंने ये मेडिसिन लिख दी है आप बाजार से जाके परचेज कर के मरीजा को इस्तेमाल करो बाकी मरीजा का मुकम्मल इलाज बैरून मुल्क जाकर के होगा डॉक्टर कह रहा था मामूली मर्ज है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी तुम ठीक हो जाओगी हौसला रखो अगर मैं मर गई तो मेरी एक बात याद रखना अपनी मेहनत का किसी से सौदा मत करना मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी ये कहानियां हैं जो तुम्हारे नाम के साथ दुनिया के सामने आनी चाहिए ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है हौसला रख जानू तुम तो मुझे हौसला देती थी आज आप हौसला हार रही हो नहीं जानू नहीं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता मैं तुम्हारे लिए दवाइयां लेके आता हूं तुम मेरा इंतजार करना मेरा इंतजार करना मैं अभी आता हूं अभी आया ठहर जाओ मैं तुम्हें एक गाड़ी पे छोड़ आता हूं और वापसी पे स्क्रिप्ट भी लेता आऊंगा
गुरबत की दहलीज पर मेरा इंतजार तो कर लेती, मैं अपनी मजबूरियों का सौदा करके तेरे लिए दवाइयां लाया था, तू मेरा इंतजार तो कर लेती। हौसला रखो नासिर ख्यालवी, खुदा को यही मंजूर था। नहीं चाहिए मुझे तेरी झूठी हमदर्दी, नहीं चाहिए मुझे तेरे ये नोट, ये नोट, ये नोट मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये नोट, नहीं चाहिए। तुम ये पैसे रखो या ना रखो ख्यालवी, तुम मेरे साथ एग्रीमेंट कर चुके हो, कहानी मुझे दे दो। क्यों नहीं, ये कहानी तुम्हें मुबारक हो, अब मेरी जिंदगी की कहानी आज खत्म हो गई। हो गया, क्या हो गया? बस खुश रहा करो, तुम्हारी खुशी के साथ ही तो मेरी खुशी है। ये लो बांसुरी, और अब परेशान ना होना, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, मैंने आपदा की शादी डॉक्टर इमरान से तय कर दी है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या बात है, आज कोई ज्यादा ही खुश हो। अच्छा तो सरकार शर्मा भी रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है, हमें भी तो बताओ। आज भाभी शीना ने तुम्हारी और मेरी शादी की बात पक्की की है।
लगता है, अच्छा लगता है। रात उसके लिए क्यामत की रात बन जाएगी। रहे हो उसी में छेद कर दिया खंजर के साथ। शीना, क्या है? क्या है? ये खड़ा है कमीना, इसने सेठ साहब को उर्वाश कर दिया है। नहीं, नहीं, तेरी, 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 मुझे माफ कर देना। आपका कातिल शानू नहीं, मैं हूँ। ना मैं इस बेवफा से प्यार करती, ना ये दिन देखना पड़ता। मैं पुलिस लूं? तुम्हें दौलत ही चाहिए थी ना, तो मेरी सारी जायदाद ले लेते, पर मेरे डैडी को कत्ल ना करते। मैं पुलिस लेके आता हूं। नहीं प्यारे खान, नहीं। चाहिए तो ये था कि मैं अपने हाथ से इस खूने को तख्तादार पे ले जाती, पर मैं अपनी वफादारी की खातिर इस बेवफा को जिंदगी बख्शती हूँ, ताकि ये सारी जिंदगी शर्मिंदगी में गुजार दे। निकल जाओ मेरे घर से कातिल, निकल जाओ, कातिल हो तुम, निकल जाओ। शीना दरवाजा खोल, खोल, शीना खोल। हाँ तो तारिक साहब, आपके लिखे हुए सीन के मुताबिक सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, आप विलन पार्टी को आने का इशारा। जी अरमान, मैं उन्हें रोक लेता। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक। अरमान साहब, ताड़ा फोन। एक्सक्यूज मी, हेलो अरमान बाबू, शीना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, कुंडी लगा ली है, दरवाजा नहीं खोलती। तुम जहाँ भी हो जल्दी जल्दी आ जाओ, कहीं कुछ करना बैठे अकेली। तुम फिक्र ना करो प्यारे खान, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, शूटिंग बैकअप।
रखा अरमान बाबू, शीना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शीना, शीना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शीना, शीना, आंखें खोल शीना, 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 अब वो उठा भी लोगे, यहाँ लगाओगे महीना? सारी ले गए हो, मेरे लिए थोड़ी सी तो छोड़ जाते। प्यारे खान, प्यारे खान, तू यहाँ कैसे है? कौन है? शानू कहाँ है प्यारे खान? कौन है? तू यहाँ कैसे है? शानू कहाँ है? नाम न लो शानू का, वो नमक हराम निकला है, उसने शीना की जायदाद पर कब्जा करने के लिए सेठ साहब को कत्ल कर दिया। इसी दुख से शीना ने लहर खा लिया है। वो तो भला हो, वो फरिश्ता आ गया, वो तो भला हो अरमान बाबू का, जिसने शीना को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। नहीं नहीं प्यारे खान, नहीं, शानू इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, ये जरूर किसी की साजिश है। शानू ने अपने मौसम का कत्ल करके चंगा नहीं किया, शीना कल्ली रह गई है, बिल्कुल कल्ली रह गई है। एक समझ नहीं आई आपदा, शानू ने मलिक साहब का कत्ल क्यों किया? कुदरत का लिखा कोई नहीं रोक सकता, तुम हौसला रखो आपदा, सब किस्मत का खेल है। शानू, शानू तुम यहां क्या लेने आए हो कातिल? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। तुम एक अजीम इंसान के कातिल हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। नासिर साहब, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूं, ये जो आप इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, ये तो इंसानियत की एक मिराज है। लेकिन मैं जाती तौर पर चाहती हूं कि आप अपने लिए भी कुछ करें, हम लोग आपके साथ हैं। जी ना मालूम, इंसान की अजमत इसी में है कि अपनी जात से बाला तरह सोचे। अपनी जिंदगी में इंसान इंसानियत के लिए कोई ऐसा काम कर जाए जो रहती दुनिया तक याद रहे। बेशक आप ठीक कह रहे हैं नासिर साहब, इमरान खान को शायद खेल के हवाले से इतना याद ना किया जाए जितना कैंसर के खिलाफ जहाद के हवाले से याद किया जाएगा। नासिर साहब, मैं और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम आर्टिस्ट आपके इस चैरिटी शो में जरूर शामिल होंगे। शुक्रिया नगमा बेगम, मुझे आप जैसे सीनियर लोगों से
यही तवक्को थी। वैसे भी आपने चैरिटी शो बड़े अच्छे मौका पर अरेंज किया है, जबकि हमारी कौमी टीम वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान वापस आ रही है। आपके यहाँ आने का हमारा हौसला बढ़ाने का, मैं देख रहा हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चमकते दमकते सितारों को किस मोहब्बत से आए हैं कैंसर के खिलाफ जिहाद में शरीक होने। हमें फख्र है इमरान खान पर जिसने इस मोजी मर्ज के खिलाफ आलम बगावत उठाया। यकीनन शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ख्वाब है उन माओं का जिनके बेटों की जिंदगी कैंसर की नजर हो गई, अरमान है उन बहनों का जिनके भाई भरी जवानी में कैंसर का शिकार होकर उन्हें इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए। आप क्या आप उनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, मैं लगा सकता हूं। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी बीवी साहिबा जो इसी फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर चमकता हुआ रोशन सितारा थी, उसने मेरी खुशी के लिए मेरे तारीख घर में बसेरा करके मुझे दुनिया जहान की खुशियां बख्शी। लेकिन बुरा हो उस वक्त का जब वो कैंसर से तड़प रही थी और मेरी गरीबी उसके लिए एक वक्त की दवा भी न ला सकी। मैं रोया, लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, मैं चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। शायद कुदरत से उसकी ये तकलीफ बर्दाश्त हुई। और खुदा ने मौत की सूरत में उसके दर्द का सहारा कर दिया। करते न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए। चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता
लटकती है जिंदगी के तारे, नींद आती नहीं एक पल भी, आंख लगती नहीं अब हमारी, आंख लगती नहीं अब हमारी, आंख उस बुत से ऐसी लगी है लोग से पहले ही मर गए, चोट नजरों की ऐसी लगी है दर्द रुकता नहीं एक पल। रख लो कुछ खा लेना। शन साहब आपकी ये हालत। भाई आप तो हमारे मुल्क का सरमाया है, उठे चले आए मेरे साथ, उठे चले। मैं जानता हूं शम साहब,
एक्सीडेंट में आपकी जबान बंद हो गई थी। मैंने आपके गूंगेपन की खबर अखबार में पढ़ ली थी। आप बैठे मेरे साथ, चलें बैठे। शान साहब, मैं भी फनकार हूं, आपका दर्द समझता हूं। क्या हुआ कि रब ने आपकी आवाज छीन ली? बेशक आप बोल नहीं सकते, मगर बांसुरी की जुबान से अपना दर्द तो सुना सकते हो। इसलिए मैंने फैसला किया शाम साहब कि टीवी पे मैं आधा प्रोग्राम कराऊंगा। कि कलम पकड़ने वाले हाथ इतने मजबूत और ताकतवर भी हो सकते हैं। मैं जानता था, मैं बताओ, मुझे नहीं पता उनका खून किसने किया, किसने किया? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, मलिक साहब को मैंने कत्ल किया, पर अरमान के कहने पर। मैंने पहले पता सी किस कदर जर्मान दाते अरमान। तुमने मुझे क्यों बचाए है अरमान? डैडी की मौत और शानू की बेवफाई के बाद मैं किसके लिए जिंदा रहती? मेरे लिए। हाँ शीना, मेरे लिए। एक बात याद रखना अरमान, शानू चाहे मेरी जिंदगी से निकल गया है, मगर मैं उसके जीते जी किसी और की नहीं हो सकती। शीना, उस कातिल को भूल जाओ जिसने जायदाद की खातिर तुम्हारे सर से बाप की शफकत का साया छीन लिया। दुख सिर्फ इस बात का है कि वो बच कैसे गया। मैं उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अपने सीने में आप गोली मार ले अरमान, क्योंकि सेठ साहब को शानू ने नहीं, बताओ तूने कत्ल किया है? पूछ इससे शीना, बताओ सच क्या है, बताओ। शीना बीबी, शीना बीबी। हाँ हाँ बोल। अरमान के कहने पर शानू को कत्ल करने ले गया, लेकिन मेरे हाथों मलिक साहब का मर्डर हो गया। नहीं अरमान, नहीं। तुम्हारे मालिक तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने मकार और होशियार हो। कत्ल खुद करवाओ और मुजरिम मेरे शानू को ठहराओ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। झूठे बकवास है। सुनो, मैं तेरे बाप का पुत्र, शानू को गूंगा बनाया सिर्फ तेरा प्यार हासिल करने के लिए, और अब तू खेत खोल चुका है। सुन, मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे अरमान, नहीं छोड़ूंगा। नहीं कहता हूँ, छोड़ दे। अरमान, शीना को छोड़ दे। नहीं प्यारे खान, नहीं।
अपनी जान का दुश्मन न बन, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर ये बात है तो अपनी सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दे, मगर शीना को छोड़ दे। अरमान, अरे दबारो, अरमान छोड़ दे से। शीना तुम मेरा फिक्र ना करो, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ यहां से निकल जाओ। अरमान, मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। एक बात मेरी याद रखना, किसी के प्यार को देखकर जलना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब इसमें कोई गोली नहीं है। सॉरी प्यारे खान। शीना, बड़े लोगों ने तुमसे कहा होगा कि हम तुम पे मरते हैं, तूने देखा ही नहीं, हम तो मर ही गए। शीना तुम आओ बैठो। शानू का कोई पता है? शानू कातिल है और कातिल के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने तुम्हारे बाप का नहीं मेरे बाप का खून किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, पर मैं उससे माफी मांगने आई हूँ। आबिदा, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, वो बेगुनाह है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सच कह रही हो, शानू ने अंकल का खून नहीं किया? हाँ आबिदा, टेरी को अरमान ने कत्ल करवाया है, शानू बेकसूर है। पता नहीं मेरा शानू किस हाल में होगा। है? है? ये सब क्या है भाई? शानू का बच्चा अभी तक जिंदा है? हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, कुछ नहीं, वो कानून के हाथ से भी बच गया। मेरा प्यार, मेरा सुकून, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप हुक्म करें बॉस, मैं इसकी लाश आपके कदमों में लाकर डाल दूं। नहीं, 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 ना ये काम तुम नहीं, मेरा दोस्त माइकल करेगा। माइकल! यार को सामने देखकर सीने में ठंड पड़ गई है मुरली बजाकर, मगर मेरे सीने में आग पड़क रही है माइकल। अरे किसने दुख दिया है हमारे यार को? मैं उस सूख का सांस नहीं लेने दूंगा। मेरी खुशियों का दुश्मन शानू है, उसकी जिंदगी मेरे लिए मौत है। तू का ठिकाना बता दे। मारकर उसकी मुरली बजा दूंगा। वो इस वक्त टीवी स्टेशन मिलेगा, मेरे आदमी तुझे उसकी शिनाख्त करा देंगे।
जल्दी करो शानू, जल्दी बैठो, चलो। उस्ताद, शानू के बच्चे को ख्याल भी लेके जा रहे हैं। अरे शानू, हमारे भाऊ का लड़का, हमारा पुराना दुश्मन, आओ आज इसकी भी मुरली बजा दे, चलो। बच्चे, तू गांव में रहकर बढ़िया शहर की लड़कियां खाता था ना, मैं आज तेरे माशू की मुरली मेरा यार बजाएगा। और कैसे बजाएगा, ऐसे देखना। क्यों पसंद आई? अब तेरा पेट मैं चीरूंगा, और कैसे चीरूंगा देखना, जरा स्टाइल से। छोड़ दो मेरे इज़्ज़त को, कुत्तो छोड़ दो। अरे खबरदार का बच्चा, लगता है पहले तेरी मुरली बजानी पड़ेगी। लड़कियां बजाता था और मुरलियां बजाता था। गाड़ी निकल गई। क्या हुआ खेल बिजर? आगे ये हाल किसने किया? क्या हुआ? मेरी फिक्र ना कर शीना, जब नहीं जा जाके अपने शानू को बचा ले। नहीं, अरमान के गुंडे उसे पहाड़ से गिराने के लिए। नहीं नहीं, शानू नहीं मर सकता। शानू बच गया तो मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं होगा। शीना जा, शीना तुझे शानू की कसम है, शीना जा, जल्दी जा शीना। आजा चारदन के बच्चे, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है ना तू, आज तेरी बांसुरी हम बजाएंगे। लेकिन पहले ये बांसुरी मुंह में लेकर 1000 फुट नीचे चला जा। तूने हमारे यार को बड़ा ही तंग किया था। अब आशे के बच्चे, ये वो जगह है जहाँ अक्सर प्यार करने वाले जोड़े यहाँ से जंप लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं। तेरी मोहब्बत का आगाज भी यहाँ से हुआ था, और अब पंजाब भी यहाँ होगा। चलो खुदा हाफिज।
आखिरी वक्त आ गया है माइकल। दीप्ति खान सलाम अलैकुम। नहीं वालेकुम सलाम, तुम मुसलमान नहीं? चलो, मैंने तो तेरे बड़े चर्चे सुने थे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। जी करता है तेरी पप्पी करूं मुरली बजाकर। तो फिर कानून का आखिरी दीदार कर लो माइकल। कानून? तेरे कानून की तो मैं मुरली बजा दूंगा। तुम कौन से कानून की बात कर रहे हो? जो कानून इतने बड़े मुजरिम को 2 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सका, वो कानून? शतीर जितना भी ऊंचा हो मगर हमेशा छत के नीचे ही रहता है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता माइकल। सर से गिरफ्तार करूं? नहीं, इस मुजरिम के तार बहुत ऊपर जाके मिलने लग गए हैं। डिप्टी खान ऐसे मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको उनकी जिंदगी से आजाद करके पुलिस मुकाबले की नजर कर देता है। चीना, अगर तेरा शानू जिंदा नहीं रहा तो तू जीकर क्या करेगी? तेरे शानू को जालमों ने जिस पहाड़ी से फेंका है, तू भी उसी पहाड़ी से छलांग लगाकर अपने शानू के पीछे अपनी जान दे दे।
दुश्मन बनकर सारे बदले ले ले दुनिया, चाहे कितने मजबूरों की मजबूरी से खेले दुनिया। दिल से धड़कन को कर सकता नहीं कोई जुदा, रब का फैसला। इश्क रहना सदा रब का फैसला, इश्क रहना सदा रब का फैसला। आखिरकार तेरी मौत मेरे हाथ लिखी हुई सी, इसलिए तू आज तक मेरे हाथों बचता रहा। नहीं अरमान, मैं शानू को नहीं मरने दूंगी। नहीं शीना, अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो आज तेरा प्यार भी तेरे सामने तेरे हाथों में दम तोड़ेगा। जिनके पीछे यार मौजूद हो उनका तेरे जैसे शैतान क्या मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे प्यार को बचाने वाला हमें यूं छोड़कर नहीं जा सका। इंसान चाहे जिंदा रहे या मर जाए पर इश्क सदा रहना चाहिए। इश्क रहना सदा।